नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज दरभंगा नगर निगम की विशेष बैठक हुई कर संग्रहकर्ताओं के साथ। विशेष बैठक इसलिए हुई कि दरभंगा शहर में कई दुकानदार नालों पे और फुटपाथ पे बड़े बड़े होल्डिंग लगा करके, सीढ़ी बना करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं और नगर निगम को हो रहा है ज़्यादा परेशानी, क्योंकि जनता को भी हो रही है सबसे ज़्यादा परेशानी। खासकर त्यौहारों के दिनों की तो बात है ही है, अन्य दिनों में भी ये दुकानदार अपनी दुकान की होल्डिंग और सीढ़ी बना करके कारोबार करते हैं, जिसे नगर निगम को शायद टैक्स का नुकसान भी होता है। इसलिए आज इस विशेष बैठक में दरभंगा नगर निगम के आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने कर संग्रहकर्ताओं के साथ बैठक की और ख़ास तौर पर चेतावनी भी देते हुए कहा कि उन तमाम दुकानदारों को चिन्हित करें जिन्होंने सीढ़ी बनाया है, बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर फुटपाथ को और लोगों को चलने में समस्याएँ हो रही है, उसे दूर करना है हमें। इन सभी का नाम चिन्हित करें, नगर निगम इन पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और नगर निगम का अब डंडा चलेगा जो दुकानदार अतिक्रमण किए हुए हैं नाले के ऊपर और रास्तों के ऊपर। इस बैठक को लेकर के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने क्या कहा, सुनते हैं। कर संग्रहकर्ता एवं सफाई से संबंधित लोगों का समीक्षात्मक बैठक बुलाई है। मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का और आगामी छठ पर्व और दीपावली देखते हुए साफ सफाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और जितना भी तालाब घाट नदी घाट इन सभी की साफ़ सफाई करने, जलकुंभ इत्यादि निकालने और बैरिकेटिंग और अन्य घाट की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का सभी को निर्देश दिया गया है ताकि आगामी पर्व सभी लोग हर्षोल्लास के साथ सभी घाटों पर मना सकें। ये ट्रैफिक जाम रहता है पूरे नगर का, इसके लिए कोई अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। निश्चित रूप से ट्रैफिक की वजह से सभी नागरिकों को असुविधा होता है और उसमें आम नागरिकों को भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी लोग अपना दुकान का सामान सड़क पर रख देते हैं या अनावश्यक रूप से रैंप या नाला पर अनावश्यक रूप से स्लोप इत्यादि बनाकर काफ़ी हिस्सा अतिक्रमित कर लेते हैं। उन सभी के लिए सभी कर संग्रहकर्ता और फील्ड की टीम को निर्देश दिया गया है, उन सभी को चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित करके उन सभी पर कार्रवाई किया जाएगा और उन सभी को हटाने के लिए निगम की तरफ से धावा दल का इसमें उपयोग किया जाएगा और साथ ही थाना का इसमें सहयोग लिया जाएगा ताकि आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। आपके माध्यम से भी हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये शहर आपका है, शहर को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना और अतिक्रमण से मुक्त रखना हम सभी शहरवासियों की जिम्मेदारी है, इसलिए सभी नागरिक इसमें सहयोग करें। सर, ये अतिक्रमण का जो मामला है सर, या जो भी खबर आती है नगर निगम में, लेकिन उसको नोटिस होने के बाद भी वो वहीं का वहीं फिर से मकान बन जाता है, जैसे अभी मिलत कॉलेज के मोड़ पर भी बन गया फिर से। जो भी अतिक्रमण से संबंधित मामला निगम के स्तर पर चलता है उसमें निगम की तरफ से उसको नोटिस देकर उसका विधिवत कार्रवाई होता ही है, साथ ही अंचल कार्यालय की तरफ से भी उस पर अतिक्रमण अधिनियम के तहत कार्रवाई होता है। निश्चित रूप से जैसे ही सुनवाई इत्यादि की कार्रवाई पूरा होगा उस सभी अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, सबसे बड़ी समस्या जो है शहर में दुकान से अधिक सामान रोड पर रहता है, उसके बाद होर्डिंग जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं वो आधे रोड को सर छेक के रखता है, नगर निगम द्वारा डंडा चलाया जाता है लेकिन स्थिति फिर जस की तस रहती है। या तो नगर निगम का डर उसे नहीं है या नगर निगम सही कदम नहीं उठाती है जिस चलते आम लोगों को परेशानी होती है। इसके बारे में भी सभी कर संग्रहकर्ताओं को निर्देश दिया गया है, जो भी दुकानदार इस तरह का सामान या अपने घर का रैंप इत्यादि सड़क पर अनावश्यक रूप से रखे हुए हैं उन सभी को चिन्हित करने का निगम की तरफ से भी कार्रवाई किया जाएगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सभी नागरिकों को भी समझने की आवश्यकता है, ये शहर उनका है, सड़क पर अगर वो अनावश्यक रूप से सामान रखते हैं या अतिक्रमण करते हैं तो उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए और निगम को इसमें सहयोग करना। सर, कहा जाता है कि भयभीन हो ही न प्रीत, ऑन स्पॉट कई बार सर मीडिया की तरफ से कहा भी गया है कि अगर दो चार दुकान को ऑन स्पॉट अगर आप लेते हैं, शुल्क लेते हैं या उस पर कोई कार्रवाई करते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। नगर निगम तरफ से ऐसी पहल नहीं होने कारण भी ऐसी समस्या शहर में हो रही है। आपका सुझाव अच्छा।